चीज अच्छी हो तो सुना जाता है। लोग कहते हैं कि लोग मंचों से कविता गायब हो रही है, कविता गायब नहीं हो रही, कविता आज भी सुन रहे हैं। अगर किसी को यकीन ना हो, प्रमाण देखना हो, तो मेरे दाता रामगढ़ में आकर देखे कविता। लेकिन उनकी सरपंच साहब आदत सी पड़ी है, और जिसकी आदत पड़ जाती है, अभी पाकिस्तान देखा हो ना आपने, वो कहता है बिलाल भुट्टो को पूरा पूरा कश्मीर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। उस बेवकूफ को यह नहीं मालूम कि चार युद्ध हिंदुस्तान से भारत से हम हार चुके हैं, अगर पांचवा वनडे हुआ ना तो पूरी सीरीज हार जाएंगे। एक बात और याद आ गई मेरे भाई, बीच में ही मैं अपना निवेदन करूं, बागा बॉर्डर पर बार ओवैसे भी परेड होवे डेली, बट टीवी पर लाइव दिखावे कई बार, जब पाकिस्तान का जिका सैन्य अधिकारी है बागा अठिया कई तमगा मेडल किया लागया रे, तो लड़ाई तो आज तक आपनो ही लड़ी, हर बारी धूल खाई बे। जब मैं सोचूंगा आपस में ही लूडो और सांप सीढ़ी खेल रहे जीते आगे बड़ा क्या जीते हैं। अब उन मेजरों को मालूम नहीं, बेवकूफों को कम से कम ये जो मेडल जो लगे ना, हमें तो बैंड बाजे वाले लगे घूमते हो, लगे होते हैं वो लगा रखते हैं, लगे होते हैं मेडल, लगे होते हैं, बस उसकी आदत पड़ गई। मजा नहीं, साउंड बढ़िया है आपका गला, कसम से हमें कम से कम सरपंच 25 तारीख तक कंटिन्यू प्रोग्राम है, 25 तारीख तक प्रोग्राम पढ़ना है। अगर आपके जैसा साउंड मिल जाए ना तो 25 तारीख तक ये गला ऐसा कैसा रहे, वरना भाई साहब तारीफ कर रहे थे गले की, ये गला गाला हो जाए जी, आदत पड़ जाती है साहब, उसकी आदत पड़ गई। हमारे मोहल्ले में तीन नवाब रहते हैं, तीनों नवाबों की आदत पड़ गई हर बात के पीछे एक तकिया कलाम लगाने की। योगेंद्र भाई साहब, तकिया कलाम का अर्थ ये होता है कि एक ही शब्दों को रिपीट करना, एक ही शब्दों को रिपीट करना। पहले वाले नवाब कहीं भी जाते तो बोलते थे जूते खा के, किसी की शादी में चले जाते तो बोलते जूते खा के, आदत पड़ी थी उनकी। अकेले शादी कर ली जूते खा के, दुल्हन तो अच्छी मिले जूते खा के, हमें नहीं बुलाया जूते खा के। दूसरे वाले नवाब की हरीज भी आदत पड़ी थी आपकी दुआ से बोलने की, कहीं भी जाता तो बोलता आपकी दुआ से। एक बार उनके चाचा जी निपड़ गए, अल्लाह को प्यारे हो गए तो लोग बैठने के लिए घर पे आए, पूछने लगे बोले चाचा जी को क्या हुआ था, कैसे निपड़ गए चाचा जी की फाइल, तो वो कहने लगे कुछ मत पूछो आपकी दुआ से, चाचा जी महीने भर से बीमार रहे आपकी दुआ से, डॉक्टर का खूब इलाज चला आपकी दुआ से, लेकिन चाचा जी फिर भी निपड़ गए आपकी दुआ से। तीसरे वाले नवाब की आदत पड़ी थी सरपंच साहब आपके मुंह में, कहीं भी जाते बोलते आपके मुंह में। अरे जी भैया कहीं भी जाते भाई साहब, दादा कहीं भी जाते तो बोलते आपके मुंह में। वो चुनाव बाद सरपंच साहब को पकड़ लिया, सरपंच साहब को चुनाव बाद पकड़ लिया, हाँ क्या बात है सरपंच साहब आपके मुंह में, चुनाव पहले तो बड़े बड़े वादे करते थे आपके मुंह में, ये करवा देंगे आपके मुंह में, ये करवा देंगे आपके मुंह में, अब ये खरंजा उखड़ रहा आपके मुंह में, ये गटर बदबू मार रही है आपके मुंह में। तो होता क्या है अरे भैया, चोरी हो जाती है एक दिन किनके यहाँ पे, जो आपकी दुआ से बोलने वाले उनके यहाँ चोरी हो जाती है। सुबह सुबह दरवाजा खटखटाया जूते खा के, दृश्य देखना घर पे हो जूते खा के, राधा स्वामी हमें कौन है आपकी दुआ से, हमें जूते खा के, बोले दरवाजा खुला है आपकी दुआ से, अंदर आ गए सारा सामान बिखरा पड़ा, देख के घबरा गए, क्या हाल बना रखे जूते खा के, कुछ मत पूछो आपकी दुआ से, रात को चोर घुस गए आपकी दुआ से, मेरे तकिए के नीचे से चाबी निकाली आपकी दुआ से, तिजोरी में से माल निकाला आपकी दुआ से, और बेबोला तो मुझे पटक पटक के मारा आपकी दुआ से। हम घबराते क्यों जूते खा के, अभी थाने चलते रिपोर्ट लिखवा दे जूते खा के। वो तीनों थाने में जाते थे, रास्ते में उनको मिल जाते सरपंच साहब आपके मुंह में, हमें सुबह सुबह कहां जा रहे हो आपके मुंह में, हमें कुछ मत पूछो जूते खा के, चोरी हो गई जूते खा के, हमें घबराते क्यों आपके मुंह में, अभी रिपोर्ट लिखवा दे आपके मुंह में,
वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में जाते, सबसे पहले चले जाते हो, जूते भागे बोलने वाले टीआई साहब आपकी तरह बैठे, सलाम वालेकुम टीआई साहब, नवाब साहब आप तो उस पे कैसे आना हुआ, तो वो जूते खाके सबसे पहले चले गए। हाँ नवाब साहब बताओ क्या हुआ। अरे क्या हाल बना रखा है, जूते खाके चोर सरे आम घूम रहे, जूते खाके रोजाना चोरी हो रही, जूते खाके और आप यहाँ पर बैठे हो जूते खाके। टीआई साहब का दिमाग खराब, बोले क्या जूते खाके लगा रहे, तमीजी बात करने की, हटा। अब वो जैसे हटे तो वो आ गए आपके मुंह में बोलने वाले। हाँ नवाब साहब बदतमीजी करते हैं, तमीजी बात करने के, हुआ बताओ हुआ क्या, क्या हुआ क्या बता रहे, क्या 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 लपटा हुआ, अब ये स्टार्ट हुए। अमा हमसे पूछते हो आपके मुंह में क्या हो गया, आपके मुंह में रात को चोर घुस गया, आपके मुंह में सारा सामान लेके भग गया, आपके मुंह में, लेकिन एक बात जरूर है, आपके मुंह में चोर भग के कहा जाएगा, आपके मुंह में चोर को एक दिन पकड़ लेंगे आपके मुंह में, और इतने जूते मारेंगे आपके मुंह में, इतने जूते मारेंगे आपके मुंह में कि एक दांत नहीं रहेगा आपके मुंह में। आदत पड़ जाती है साहब, अगर यही आदत हमारी रहती तो संचालन में हो जाती। आज हमारे बीच में हरीश हिंदुस्तानी आए हैं, ये कविता सुनाएंगे और संचालन भी करेंगे जूते खाके। योगेंद्र जी भाई साहब भी आए हमारे बीच में भीलवाड़ा से जूते खा के, ये भी कविता पढ़ेंगे। दादा यहाँ पर बैठे भाग्य जी, ये भी कविता पढ़ेंगे जूते खा के, और सोनी जी कानू पंडित और भाई साहब यहाँ पर बैठे हरिओम जी पारिक, ये भी कविता पढ़ेंगे जूते खा के, और कविता पढ़ने के बाद सारे के सारे कवि चले जाएंगे घर जूते खा के। ये हो जाती आदत हमारी, आदत पड़ जाती है साहब। कोई अच्छा काम करता है कोई तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ कुछ कानून ऐसे हैं जिनका विरोध हमें करना चाहिए, कोई एक ऐसे बहुत सारे हैं जिनका विरोध करना चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनका विरोध नहीं करना चाहिए। मान लो मोदी जी ने एक योजना बना दी, मोदी जी ने एक योजना बना दी कि जो भी अब खुले में सोच करेगा उसके लिए शौचालय बना दिया, लेकिन दूसरी एक योजना और बनाई, एक कानून बनाया कि सोच के बाद सबको साबुन से हाथ धोना अनिवार्य है। मेरे 2.25 करोड़ देशवासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं क्या सब सोच के बाद साबुन से हाथ धोएंगे। अब इसका विरोध कर रहे केजरीवाल जी, विरोध कर लो धरने पे बैठ गए। देखिए जी ये मोदी जी है ना ये जो हमारे गरीबों के पैसे ये पानी में बहा रहे हैं साहब, ये साबुन कंपनियों से मिले हुए हैं, जबरदस्ती हाथ धुलवाने जाती है, मैं इसके खिलाफ धरने पे बैठा हूं। मुलायम सिंह जी विरोध करते हैं इसका, हम आप तक बता सुन, हम आप तक बता, हाँ बेटी मुख्यमंत्री, हाँ बेटा अखिलेश मुख्यमंत्री, हाँ बेटा अखिलेश मुख्यमंत्री, हम आज हमारे बहुमंत्री, हाँ बहुमंत्री, हाँ अखिलेश मुख्यमंत्री, हम आपको समय कल सोच बैठे हम इतना कर मोदी हाथ बहाते हाथ दुहराए हमारे मजाल किसी के हाथ धुलाए, हाँ होते हैं किसी मजाल है जो कुछ हाथ में गले कर गरीबों के जल्दी कोई हाथ नहीं दुखाएंगे, हम गरीबों का हाथ नहीं दुखाएंगे, हमारे कुत्ता बदल सिंह कुछ बात। इतने बिहार के लालू जी आ गए, मोदी जी है मोदी जी है ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया, हमें चारा नहीं खाया मोदी जी, हम पहले हमें बिहार का आदमी चारा नहीं खाया, चारा नहीं खाया हमको अंदर डाल दिया, हमने कहा मोदी जी से मोदी मेरे मैं नहीं चारों खायो, विपक्ष सब हमसे बैर पड़े हैं, विपक्ष हमसे सब बैर पड़े हैं, जबरन हमने खिलायो मोदी जी, पहले बिहार की जनता के गरीब जनता, हमारे बिहार की जनता, हमारे पास 81 एमएलए नीतीश कुमार, हम घर आए हमसे कहने लगे लालू जी हमें मुख्यमंत्री बनाए, ये कौन लोनी बन के हमारे घर आए हम उनको मुख्यमंत्री बना दिए, अब साबुन के हाथ धुलाने का लफड़ा हमारे बिहार में नहीं होगा, बिहार की जनता साबुन के हाथ नहीं धोएगी क्यों। मैं सदन से कह देना चाहता हूँ इसलिए हाथ में धोई भी उसका कानून बना देता हूँ, बिहार की जनता को, हाँ बिहार की जनता हाथ में धोई भी उसका कारण बस हरी जीतना है,
कि जब सोच हमारा हाथ हमारा ये ढुलवाने वाले कौन तो ये चीजें होती है साहब जो आदमी है। लेकिन आपने प्यार दिया, आपने मस्ती लिया, आपने आनंद लिया। आइए मैं एक गीत सुना देता हूँ। हाँ, गाकर गाकर कुछ भी भाई, मैं यही कहने वाला था। गाकर तो कुछ नहीं, वो इनके कोरस का भैया, वो आपके कोरस का ये देशभक्ति गीत नहीं तो ये तो होगा। पैसे बकरी चराते ही तू आ गई, हाय हाय हाय, तेरी बकरी मेरे सब चने खा गई। वाह, तीर ऐसा लगा, जख्म ऐसा जगा, सारी बकरी भगाई मजा गई। हाय 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 हाय। लेकिन बकरी इस मुकाम पर एक गीत भी सुना देना चाहता हूँ, दो मिनट का भैया। ओ बैठ जा यार, अब क्या करोगे घर जाके। पर आप पशुओं में बकरी सबसे ईमानदार जीव है। दादा बकरी मेरे सब चने खा गई, बकरियां ही कोई कोई खेत नहीं चरे, और जब चरे भी तो जत्ता चना खाए बत्ती मींगनी करे। ये गीत मैं पहले गाया करता था काफी समय पहले, लेकिन आज रसिक श्रोता यहाँ पर बैठे, कविता के पारखी यहाँ पर बैठे, तब मेरा मन हुआ कि इस गीत को मैं 2-3 साल पहले गाया करता था, लेकिन आज इस गीत को गाऊंगा। स्वागत। गीत सुने, अगर मैंने तुलना की पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की गीत में, बढ़िया नाजी भाई को समर्पित करो ये गीत। फेना पाक सुन ले बात आज, राज की मोरी माँ भारती के सामने औकात क्या तोरी, माँ भारती के सामने औकात क्या तोरी, पाक सुन ले बात आज, राज की मोरी माँ भारती के सामने औकात क्या तोरी, सिंहों को ना जगाना, अरे जान ये जमाना, मर्द मेरे देश के तेरे देश के जनाना। हमेशा पीठ पे वार किया उन लोगों ने और हमारे जवानों ने सीने पे गोली खाई, तब कहता हूँ मर्द मेरे देश के तेरे देश के जनाना, हाथी के संग कुत्ते सी हालात है तोरी, माँ भारती के सामने औकात क्या तोरी, भगत जिस किसान है सुभाष से महान है, आजाद जैसे वीर पे मेरे देश को गुमान है, नित खेलते नित खेलते लत बताती खून की घोरी, माँ भारती के सामने औकात क्या तोरी। अंतिम बंद पर तालियों का रिदम देना जितने भी यहाँ पर बैठे, एक ताल के साथ में माँ भारती के। न कर न तू नादानी कर बात जो नमानी, न कर न तू नादानी कर बात जो नमानी, तो खत्म जल्दी होगी ए पाक की कहानी, कल सुबह की भोर में कराची और लाहौर में, मजा आ गया भाई, कल सुबह की भोर में कराची और लाहौर में लहराएगा तिरंगा, लहराएगा तिरंगा खींच के डोरी, हाय हाय भारती के सामने। केवल एक मिनट ताल दे देना तालियों की, एक मिनट ओ खत क्या तोरी। रक्तदान शिविर में पुलिस थाना दातारामगढ़ के स्टाफ के द्वारा जो रक्तदान किया गया उसके लिए उनका हार्दिक आभार।